दोस्तों वाल्मीकि चर का पॉइंट अगर गलत हो जाए तो उसको टाइल्स को तोड़े बिना कैसे लगा सकते हो इसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पे आप देख लीजिए इस बाथरूम में दोस्तों वाल्मीकि चर का जो पॉइंट है वो 7 इंच गैप हो गया है, तो रहना चाहिए दोस्तों 6 से 6.5 के अंदर, तो 1/2 इंच ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे आप देख लीजिए ऊपर का तो लेंथ ठीक है, लेकिन दोस्तों गर्म और ठंडा का जो कनेक्शन है उसका लेंथ जो है दोस्तों ज़्यादा हो गया है, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा हुआ है। तो ज़्यादा और अगर कम होता है तो आप कैसे इसको लगा सकते हो इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बताऊंगा, जानकारी दूंगा टाइल्स को तोड़े बिना। यहाँ पे आप देख लीजिए इस वाल मिक्सचर को मैं लगाऊंगा, ये सबको मैं अनबॉक्सिंग कर लूँ और खोल लूँ। यहाँ पे इसका एल बैंड, लेग वाइजर, फ्लांज सब कुछ इसमें दिया गया है। अब सिंपली दोस्तों इसका मिक्सचर्स का लेग को मैं इसमें लगा कर देखता हूँ ये आता है या नहीं यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों डिस्टेंस जो है दोस्तों ज़्यादा हो गया है। ऐसे ही दोस्तों नाप कर मैं आपको दिखाया हूँ। अब यहाँ पर आप देख लीजिए ये कैसे भी करके नहीं आएगा, तो इस पोजीशन में आप क्या कर सकते हो ये इसके बारे में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा। यहाँ पे ये आप देख लीजिए मैं दूसरे ब्रांड का एल बैंड लेकर आया हूँ दोस्तों। ये जो कंपनी वाला है इसका क्या स्ट्रेट है तो एंगल में नहीं मैच खा रहा था, तो आपको क्या करना है सिंपली हार्डवेयर से जाकर मिक्सर्स का ऐसे दूसरे ब्रांड का लेक लेकर आना है जिसका दोस्तों एंगल जो है वो ज़्यादा रहे, मतलब एल जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या है दोस्तों 1/2 इंच का 1 इंच भी डिस्टेंस कवर कर लेगा। यहाँ पे आप देख लीजिए ये कंपनी वाला जो है ये वाला है और ये वाला दोस्तों इसका एल देख लीजिए ज़्यादा है। तो अब इसको मैं लगा कर आपको अभी बताऊँगा इसमें से लगता है या नहीं, क्योंकि इसका दोस्तों एल जो है काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। तो इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पर और सिंपली आपको पहले सैंपल में लगा कर दोस्तों मैच करके देखना है, उसके बाद में वाल्मीकि चर को आपको फाइनल फिटिंग करना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये अब आ गया है, डिस्टेंस कवर कर लिया है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है इसमें, टाइल्स तोड़ने का आप कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आसानी से ये लग जाएगा। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। अभी मैं इसको प्रॉपरली आपको लगा के बताऊँगा। अब इसका लेग को दोस्तों लगाने के बाद में आपको पहले से सिंपली आपको इसका फ्लांच लगा कर आपको बिठा कर देख लेना है, और जो बाहर का थ्रेड है वो मिनिमम फ्लांच लगाने के बाद में दोस्तों 1/2 इंच बाहर होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा एक्स्ट्रा जो है इसमें निप्पल नहीं लगने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये जो बेंड है इसमें ऑटोमेटिक आ जा रहा है। तो अगर ये ज़्यादा टाइल्स के अंदर रहता है पॉइंटल में तो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे निप्पल लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे इसमें क्या है दोनों का जो एल्बो का पॉइंट है वो लेवल में है। तो यहाँ पे इसको मैं टाइट कर दूँ इसका एल को, अब ये वाला को दोस्तों टेपन टेप लगा कर मैं लगा देता हूँ। दोस्तों चैनल प्लम्बर स्पेशलिस्ट को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ये वीडियो को दोस्तों लाइक कॉमेंट शेयर जरूर करते जाइएगा, क्योंकि दोस्तों इस टाइप का वीडियो काफ़ी सारे लोगों का प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि काम दोस्तों काम में कभी कदर ऐसे ऊंच नीच हो जाता है, कोई भी मिस्टर परफेक्ट नहीं होता है, इसीलिए आप इस टाइप के वीडियो से इसका सॉल्यूशन ले सकते हो, आसानी से आप कर सकते हो जैसे मैं आपको कर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए अब जो दोस्तों इसको मैं लगा चुका हूँ, और इसको लगाने के बाद में मैं यहाँ पर बबल लेवल बिठा कर लेवल कर लूँगा, ये बिल्कुल परफेक्ट लेवल है। अब इसका मैं सावर नाट को भी टेप नोल टेप लगा कर दोस्तों टाइट कर दूँगा पहले यहाँ पर, आप देख लीजिए ये वाला, तो इसको लगा देता हूँ फटाफट, और दोस्तों सिलाई रेंज से इसको टाइट कर देता हूँ मैं, और ये वाला एडजस्टेबल रेंज का आपको यूज़ करना है कोई भी आप फिनिशिंग काम करते हो तो दोस्तों, तो क्या दोस्तों इसमें स्क्रेच नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पे इसका फ्लांज को भी बिठा देता हूँ दोस्तों तीनों को। तो मिक्सर्स को आप ऐसे इसका लेग को आपको लगा कर एडजस्ट कर लेना है, उसके बाद में दोस्तों ये आप देख लीजिए अब मैं इसको लगा कर इसका सावर बैंड पाइप का नाप ले लूँगा यहाँ पर, अब देख लीजिए कितना कटेगा उतना काटना पड़ेगा, तो इसको मैं काट लेता हूँ फटाफट ग्लेंडर से यहाँ पे, आप देख लीजिए अब ये उसके बाद में यहाँ पे इसमें क्या है सिंपली इसका वाशर में पुश कर देता हूँ दोनों साइड से, एक ऊपर से आएगा और एक नीचे से आएगा, और ये नट अब यहाँ पे इसको मैं एक बार बिठा कर सिंपली देख लेता हूँ, तो ये आप देख लीजिए आ जाएगा। अब मिक्सर को खोल कर अगर लगाऊँगा तो ये लग जाएगा, यहाँ पर इसका नट को मैं लगा देता हूँ नीचे का वाला, अब इसको खोलकर मैं लगाऊंगा तो आ जाएगा, और नीचे दो वाशर मुझे अभी लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ये आप देख लीजिए ये परफेक्ट फिटिंग हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दो वाशर को मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, और फाइनली इसको मैं दोस्तों यहाँ पे लगाकर आप लोगों को अभी दिखाऊंगा, ये आप देख लीजिए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, और कॉमेंट भी करते जाएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना है आपको ऐसे लगाने के बाद में कोई भी एक नाट को ज़्यादा टाइट नहीं करना है, सबको आपको थोड़ा थोड़ा करके लगाना है, तो क्या है इसमें थ्रेड में परफेक्टली बैठ जाएगा। अब देख लीजिए मैं सब में थोड़ा थोड़ा करके टाइट कर देता हूँ, अब देख लीजिए कितना परफेक्टली लग गया है। और वाल मिक्सचर को परचेस करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दोस्तों प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप वाल मिक्सचर खरीद सकते हो।
अच्छे से अच्छे ब्रांड का रिजनेबल प्राइस में। तो अब ये आप देख लीजिए, अब इसको फाइनली मैं अच्छे से लगा चुका हूँ इस वॉल मिक्सर को। यहाँ पे और ये बाथरूम आप देख लीजिए, इसमें सिंपल काम हुआ है दोस्तों। वॉल मिक्सर, वॉलिंग कमोड का पॉइंट और ये सावर, बाथ सावर, ये आप देख सकते हो। मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय।